मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लाए हैं, वो है आलू की कढ़ाई। बहुत ही शानदार बनकर तैयार होती है, बहुत ही मज़ेदार डिश है। पोटैटो ऐसी सब्ज़ी है जो मुख्तलिफ स्टाइल में पकाई जाती है और सबसे ज़्यादा पकाए जाने वाली सब्ज़ी है। आलू की कढ़ाई को मेरे तरीक़े से बनाएं, बहुत ही स्टाइलिश और यूनिक रेसिपी है, खाने वाले को बहुत ही पसंद आती है। चलिए आइए शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए जो इन्ग्रीडियंट चाहिए वो ये हैं। आलू 1 kg लिए हैं, इसको वॉश करके स्किन रिमूव करके इसे स्लाइस में काट लिया है। स्लाइस थोड़े मोटे होने चाहिए। साबुत ज़ीरा लिया है 1 teaspoon और ऑयल लिया है 3/4 cup। पहले हम एक कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे, इसे गरम करेंगे, फिर इसके बाद इसमें हम 1 teaspoon ज़ीरा डालेंगे। देखो ऑयल गरम हो गया है, अब मैं इसमें 1 teaspoon ज़ीरा डालूँगी और ज़ीरे को थोड़ी सी सेकेंड फ्राई करूँगी। देखें ज़ीरा फ्राई हो रहा है, कड़कड़ा रहा है ऑयल के अंदर। अब चंद सेकंड के बाद हम इसमें आलू डाल देंगे। देखें ज़ीरा फ्राई हो गया है, अब हम इसमें आलू डाल रहे हैं। ये देखें सारे आलूओं को डाल देंगे और इसे हम तकरीबन 5 से 6 मिनट इसे फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर आलूओं को 5 से 6 मिनट तक फ्राई करेंगे। साथ साथ थोड़े वक्फे से चमचा भी चलाते रहेंगे ताकि आलू कढ़ाई से चिपके नहीं और इक्वली फ्राई हों। आलू की कढ़ाई की रेसिपी बहुत सादा होती है, खाने में बहुत लजीज बनती है और कम वक्त में तैयार हो जाती है। बड़े और बच्चे सब इसको बहुत शौक़ से खाते हैं, ख़ासकर वो लोग जो वेजिटेरियन हैं, इनके लिए तो बहुत ही शानदार रेसिपी है। देखिए आलू फ्राई हो रहे हैं। आलूओं को इस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये सौते ना हो जाएं। आलू की कढ़ाई अपने जायके की वजह से बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, बहुत कम वक्त में बन जाती है। अगर आप गोश्त की कढ़ाई बनाते हैं तो गोश्त गलने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन आलू की कढ़ाई झटपट बन जाती है। अगर आपके घर अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप कम वक्त में एक मज़ेदार डिश तैयार कर सकते हैं। इसमें जो मसाले जाते हैं वो अमूमन घर में मौजूद होते हैं। देखें आलू फ्राई हो रहे हैं, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और आलू नीचे से चिपकने शुरू हो गए हैं। चमचे से हिलाते रहें, ख्याल रहे कि आलू की शेप ख़राब ना हो। प्याज 3 अदद ली है दरमियाना साइज़ की, इसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। अब हम आलू में प्याज डालेंगे, इसे सौते करेंगे। प्याज को ब्राउन नहीं करना, सिर्फ सॉफ्ट करना है। साथ साथ चमचा भी हिलाते रहेंगे ताकि आलू लग ना जाए। प्याज को आलू के साथ कम से कम 5 मिनट तक कुक करेंगे। आलूओं को पकाने के लिए इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि आपके आलू जो हैं वो फीके होने चाहिए। अगर ये मीठे होंगे तो खाना टेस्टी नहीं बनता। आलू अच्छी क्वालिटी के हों तो ज़्यादा बेहतर है। जब प्याज गुलाबी हो जाएगी तो फिर हम इसमें अदरक लहसुन पेस्ट 1 tablespoon ऐड करेंगे और इसे भी हम फ्राई करेंगे कम से कम 2 से 3 मिनट तक। देखें प्याज भी सॉफ्ट हो गई है, लहसुन अदरक भी फ्राई हो गया है। अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। लहसुन अदरक पेस्ट मैंने कुटा हुआ लिया है। लहसुन अदरक पेस्ट को कढ़ाई के दरमियान में मैंने कर दिया है ताकि ये जल्दी से अच्छा सा फ्राई हो जाए। अच्छी तरह से फ्राई हो जाने के बाद फिर हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस जो इसमें जाएंगे वो बहुत सादा से स्पाइसेस हैं। 1.5 खाने का चम्मच मैंने नमक लिया है, 1 tablespoon कुटा हुआ साबित धनिया लिया है दरदरा सा, 1 teaspoon लाल मिर्च पाउडर ली है, 1/2 teaspoon वाइट पेपर ली है, पिसा हुआ ज़ीरा लिया है 1 teaspoon, ये ड्राई रोस्टेड है। ये सब मसाले कढ़ाई में मैं ऐड करूँगी और फिर इनकी भुनाई करूँगी। देखिए लहसुन अदरक जो है वो भून चुका है, इसमें जो मैंने तमाम स्पाइसेस थे वो मैं सब ऐड कर दूंगी, इसमें शामिल कर दूंगी और इसी तरह हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए बहुत मज़े के बनते हैं ये और बच्चों को तो बहुत ही पसंद है। आलू तो बहुत तरह की शेप में पका के खाए जाते हैं, आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा।
देखिए तमाम मसाले भुन रहे हैं। ये कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी है। मसालों को 5 मिनट तक भूनेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ख्याल रहे कि मसाला जल ना जाए। अगर मसाला लगने लगे तो 2 टेबल स्पून आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, भुनाई कर सकते हैं। आलू और मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर लिए हैं मैंने 4 अदद, इन्हें चॉप कर लिया है, बारीक काट लिया है। इसे हम कढ़ाई में ऐड कर लेंगे, 5 से 7 मिनट तक इसे कुक करेंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर में नेचुरली पानी होता है, टमाटर इसी पानी में ही अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे और भुन जाएंगे। देखिए मसाला खुश्क हो रहा है। देखिए टमाटर भुन रहे हैं, हम इसको इतना भुनेंगे कि ये टमाटर सॉफ्ट हो जाए। हाँ देखिए टमाटर भुन गया, मैं इसमें पानी डालेंगे 1/2 कप बस बस बस, और इसको हिला के और फिर हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि आलू जो हैं वो अच्छी तरह से जो रह गए हैं वो गल जाएं। देखिए आलू की कतलियाँ कुक हो रही हैं, मैं इसमें पानी डाल दिया था 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा, और अब हम इसको कवर कर रख देंगे ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाएं और प्याज भी और टमाटर भी अच्छी तरह से गल जाए। और फ्लेम जो है वो हम स्लो कर देंगे, यानी मिडिल दरमियाना स्लो। देखिए हाफ गड्डी मैंने हरा धनिया लिया, इसको मैंने पत्तियां तोड़ के और उसको धो ली अच्छी तरीके से, दो हरी मिर्चें। अब हम पेस्ट बना लेंगे, हरी मिर्चों का दाना निकाल लीजिएगा। अब हम इनको काट कर और इसका पेस्ट बना लेंगे, और चाहे तो आप इसको ब्लेंड कर लें या कूट लें, मैं कूटूंगी। देखिए हरा धनिया हरी मिर्च को मैंने अच्छी तरह से कूट लिया है, कूट कर मैंने इस तरह से इसको दरदरा बना लिया, इसका पेस्ट सा बना लिया है। देखिए आलू गल गए हैं, अब मैं इसमें हरे जो पेस्ट था, हरा धनिया और हरी मिर्च, इसका पेस्ट डालूंगी और अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। इससे इसका जायका बहुत अच्छा आता है। देखिए मैंने इसमें हरी मिर्च हरा धनिया कुटा हुआ डाल दिया, कितना अच्छा सा इसका लुक आ गया, इसको मिक्स कर लिया। अब हम इसको 5 मिनट के लिए सिर्फ ढक के कवर करके रखें। अब मैं इसको 5 मिनट का कवर करके रखूँगी और इसे सिर्फ 5 मिनट पकाऊँगी बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। ये 5 मिनट हो गए हैं, ये देखें बिल्कुल तैयार है और घी भी ऊपर आ गया है। अब मैं फ्लेम ऑफ करूँगी और हम इसे डिश आउट करेंगे। मज़ेदार आलू कढ़ाई तैयार है, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।